आइए एक कहानी के माध्यम से एक बात आपको समझाता हूँ कि अपना भय बनाए रखना चाहिए, कहीं भी आप रहिए अपना भय बनाए रखना चाहिए। कि इस तरह से बनाए रखें कि जो विरोधी है उसके पसीने छूट जाए। जानते हैं कैसे? आओ एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि एक बार एक गांव था, उस गांव के बाहर एक बाबा था, बैठा हुआ था। एक काली आदमी आती है तो बाबा पूछता है तुम कौन? तो वो काली आदमी बोलते है कि मैं तो मौत हूँ। तो बाबा अच्छा क्या लेने आई है? उसने कहा कि अब मौत हूँ तो मौत लेने आऊंगी, मुझे 10,000 लोगों की जरूरत है, तेरे गांव में एक हफ्ता रहूंगी और 10,000 लोगों को लेके जाऊंगी। तो उसने बाबा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीता, 40,000 लोग निपट लिए। कितने लोग? 40,000 लोग। अब बाबा को टेंशन होने लगा कि ये तो बोली थी 10,000 लेके जाऊंगी, 3 दिन बीता नहीं, 40,000 लोग चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एक हफ्ता बीता, काली आदि वापस लौट रही थी तो अपने साथ 70,000 लोगों को ले जा रही थी। कितने लोगों को? 70,000 लोगों को ले जा रही थी। बाबा रोका, बोला रुक रुक रुक, तूने वादा किया था कि हम यहाँ एक हफ्ता रहेंगे और 10,000 लोगों को लेके जाएंगे, और तू इतने लोगों को लेके जा रही है, कैसा वादा है तेरा? तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ केवल 10,000 को ही ले जा रही हूँ, 10,000 लोगों को ही मैंने मारा है, बाकी तो सब मेरे भय से निपट गए, यानी कि मौत से, मौत के डर से 10,000 लोग मौत से